क्या आप जानते हैं कि रशिया का सरफेस एरिया प्लूटो से भी बड़ा है और अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो एंड तक देखे। सो हे गाइस, वेलकम टू मिस्ट्रियस फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10, जो साउथ पोल रहता है, हाँ जो साउथ पोल रहता है वहाँ कभी एक स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता। हमारे इधर कैसा एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, मतलब 7 to 7 ही बजे, पर वहाँ स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता, वहाँ टाइम अलग रहता है। इसलिए वहाँ एक स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता क्योंकि दुनिया के सारे देशों के लॉन्गिट्यूड लाइन्स साउथ पोल में आकर मिल जाती है और वहाँ एक जगह टाइम कुछ और रहेगा तो दूसरी जगह टाइम कुछ और रहता है। मतलब और उस टाइम का यूज सिर्फ वही कर सकते हैं, उस टाइम का यूज सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ मौजूद स्टेशन और उनके मालिक। फैक्ट नंबर 9, जो पेट्रोडाइल प्रजाति के डायनासोर रहते हैं, हाँ ये पेट्रोडाइल प्रजाति के डायनासोर रहते हैं, उनके पंख एक हवाई जेट से भी बड़े रहते हैं। ओ और उनके स्केलेटन्स रोमानिया में खोदे गए थे। जिराफ की तरह लंबे होने के कारण उस उड़ने वाले प्रजाति का पंखों का वजन लगभग आधा टन होता है और 39 फुट पंखों के साथ वो हवा में उड़ते हैं और वो एक F-16 फाइटर जेट से 33 फुट बड़े हैं। फैक्ट नंबर 8, जो बुर्ज खलीफा है वो इतना लंबा है कि हम एक दिन में 2 बार सनसेट देख सकते हैं। वो कैसे, मतलब जब पहला सनसेट हम जब जमीन पर रहेंगे तब देख सकते हैं और बुर्ज खलीफा के चारों ओर लिफ्ट है जो ऊपर जाते समय हम दूसरा सनसेट आराम से देख सकते हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि संतरे असल में हरे ही होते हैं और मतलब पश्चिम से आयात के पहले संतरे साउथ ईस्ट एशिया से थे और उनका रंग हरा था, उन्हें टेंजेरिन पोमेलो कहते थे। इन थाईलैंड एंड वियतनाम के गर्म भागे संतरे शुरुआत से ही हरे रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में पहली बार 3D चश्मा सिनेमाघरों में 1922 में यूज किया था। ये एक ट्रायल था जो 1922 में सितंबर में रिलीज होने वाली द पावर ऑफ लव फॉर द साइलेंट इस मूवी पर किया जाने वाला था। ये मूवी दुनिया भर में सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, पर अफसोस की बात है कि ये मूवी खो गई और दशकों तक अभी तक नहीं मिली है। फैक्ट नंबर 5, जो साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्षयान का कब्रस्तान है। पॉइंट निमो के रूप से जाने वाला ये स्थान जमीन से पृथ्वी से बहुत दूर स्थान है, पृथ्वी से बहुत दूर स्थान है। 300 से अधिक स्पेसक्राफ्ट और स्पेस डेब्रिस मतलब अंतरिक्ष मलबे यहाँ पड़े हुए हैं और इसमें इस अंतरिक्ष मलबे पे MIS स्पेस स्टेशन भी शामिल है। फैक्ट नंबर 4, जो OMG ओ माय गॉड हम जो बोलते हैं, ये पहली बार यूज फर्स्ट टाइम कब हुआ था, जब लेटर में 1970 में एक लेटर में यूज हुआ था और ये लेटर लोग जानते थे कि ये पहले से यूज था, पर ओ माय गॉड फेमस कब हुआ, 1917 में एक आदमी को, आदमी का नाम था विंस्टन चर्चिल, उसे लिखे गए हुए लेटर में हुआ था और वो लेटर एक ब्रिटिश नेवी रिटायर्ड एडमिरल, उनका नाम था जॉन आर्बिथनॉट फिशर, उन्होंने लिखा था। उन्होंने लेटर में क्या लिखा था कि आई हियर दैट अ न्यू ऑर्डर ऑफ नाइटवुड इज ऑन दैट पीस दैट पीस ओ माय गॉड OMG। फैक्ट नंबर 3, जो हमारे नाक और कान है उनकी ग्रोथ बढ़ती ही रहती है, मतलब हमारे वही दो हिस्से जो बाकी हिस्सों की ग्रोथ रुक जाने के बाद उनकी बढ़ती ही रहती है। फैक्ट नंबर 2, जो अंटार्कटिका है उसका वो पृथ्वी का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अंटार्कटिका पोलर डेजर्ट वो
अंटार्कटिका को 5.5 मिलियन स्क्वायर मील से लगभग कवर करता है और सहारा डेजर्ट वो लगभग 3.6 मिलियन स्क्वायर मील से कवर करता है। फैक्ट नंबर वन, जो रशिया है वो उसका सरफेस एरिया प्लूटो से भी बड़ा है। रशिया का सरफेस एरिया लगभग 66,21,668 स्क्वायर माइल्स है और प्लूटो का सरफेस एरिया लगभग 64,027,805 स्क्वायर माइल्स है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दूसरी नंबर पर 38,55,103 स्क्वायर माइल्स से कनाडा है। रुको 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 रुको, क्या आपको वीडियो पसंद आई होगी तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन जरूर दबाना ऐसे ही मिस्ट्रियस फैक्ट जानने के लिए। वीडियो में अगली वीडियो में